गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून सर। टुडे वी विल टेक डाउट्स ऑफ एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 एंड देन डिस्कस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्टली वी टेक डाउट्स ऑफ एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2। तो इन एक्सरसाइज 4.1 एनी डाउट्स? एक्सरसाइज 4.1 में किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है किसी स्टूडेंट्स को? नो सर। नो सर। एक्सरसाइज 4.1 में किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? एक्सरसाइज 4.2 में? एक्सरसाइज 4.2 नो सर। एक्सरसाइज 4.2 में किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? कल जो आपने डिस्कशन किए थे उस टाइप के क्वेश्चन है 4.1 और 4.2 में, जो कल आपने डिस्कशन किया था किस टाइप क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो वैसे ही क्वेश्चन है 4.1 और 4.2 के अंदर। तो 4.1 और 4.2 में किसी भी क्वेश्चन में या कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट्स हो तो पूछ लो। है डाउट किसी को? नो सर। शिव, यदर खंडेलवाल, पदम, यश? नो सर। तो जो नेक्स्ट के अंदर है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। लीनियर इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव। इस लीनियर इक्वेशन की जो इक्वेशन है इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे। कहाँ रिप्रेजेंट करना है इसको? ग्राफ पे। तो ग्राफ बनाना है जो एक्स प्लस वाई इक्वल फाइव है इसका ग्राफ बनाना है अपने को। तो देखो इसमें क्या करेंगे, टेबल फॉर्म करेंगे अपने जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू हो आपके पास, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। एक्स और वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हो सकती है। ये जो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है इसमें एक्स और वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हो सकती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो अपने को एक्स और वाई की 3 to 4 वैल्यू फाइंड करनी है, जो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो इस इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें। जो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है इसको क्या करें, सेटिस्फाई करें, वो पॉइंट अपने को फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे देखो जब एक्स की वैल्यू अपने 0 पुट करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 0, जब एक्स की वैल्यू 0 पुट करें इसके अंदर तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहां से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। मतलब ये जो पॉइंट है ए पॉइंट 0.5 ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो ए जो पॉइंट है 0.5 ये इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब यहां से एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0, वाई की वैल्यू कितनी होगी, 5। ये हो सकता है, या ये हो सकता है कि एक्स इज इक्वल टू 1 इट एक्स इज इक्वल टू 1, जब एक्स की वैल्यू क्या हो 1 हो तो उस केस में वाई की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस y इज इक्वल टू 5। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस का 1 4। तो b पॉइंट नाम दे सकते हैं इसको कि 1 और 4। ये 1.4 वाला जो पॉइंट है, x तो कितना है 1, y कितना 4, ये जो पॉइंट है b वाला पॉइंट ये भी क्या करेगा, इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 1.4 एक ये वाला पॉइंट हो गया। और क्या वैल्यू ले सकते हैं, जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 मिलेगी। जब x के लिए 4 पुट करें इसके अंदर, x के लिए क्या पुट करें, 4, तो y के लिए कितनी होगी, 1 होगी। x के लिए जब हमने 4 लेके चलेंगे तो y के लिए कितनी आएगी,
वन आएगी, और एक्स की वैल्यू जो फाइव लेंगे, एक्स की वैल्यू क्या लिए फाइव, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो आ जाएगी। यहां तक प्रॉब्लम है किसी को? सर अपन यहाँ पे y की वैल्यू भी तो ले सकते हैं, हाँ, x की को छोड़ के y को ले सकते हो, तो y की लोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। जरूरी नहीं कि आप x की वैल्यू पुट करो, भाई y की वैल्यू पुट कर सकते हो, जब आप y की वैल्यू पुट करोगे तो x की वैल्यू फाइंड कर लोगे। भाई यहां मैंने x इज इक्वल टू पुट किया है तो y की वैल्यू आ गई, अगर आप y इज इक्वल पुट करना चाहो तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से अपने पास क्या होंगे, 5 पॉइंट आ गए आपके पास। अब इन 5 पॉइंट को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, जो 5 पॉइंट है उनको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ ये हो गया ओरिजिन, ये हो जाएगा ओरिजिन ओ। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ओरिजिन के, 0, 0, 0, 0, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इधर एक्स डैश नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, वाई एक्सिस और वाई डैश नेगेटिव वाई एक्सिस बोल सकते हो। अब देखो अपने पास जो पॉइंट है उसमें जो वैल्यू देखो कितनी आ रही है, क्लोज ही आ रही वैल्यू, 1 टू 5 तक आ रही वैल्यू। तो क्या कर सकते हैं इसमें, जो स्केलिंग जो करोगे आप तो उसमें एक्स एक्सिस पे कर सकते हैं 1, बिग कॉलम इज इक्वल टू 1 यूनिट ले सकते हैं, यहां से 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे वाई एक्सिस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 नेगेटिव वैल्यू अपने शो नहीं किया, नेगेटिव में ऐसा कोई पॉइंट नहीं लिया तो नेगेटिव वैल्यू में आए। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, इसमें वैल्यू जो पॉइंट जो है उनको इस पे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे। भाई एक्स की वैल्यू जब 0 है तो वाई की कितनी है, 5 है, एक्स की वैल्यू जब 0 है तो वाई की क्या है, 5 है। इसका मतलब पॉइंट कहां पे आएगा भाई, अगर जिस पॉइंट में एक्स वाला कोऑर्डिनेट कहां हो 0 हो तो पॉइंट कहां पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे आएगा, वाई एक्सिस पे 5, वाई पे कितना आना चाहिए, वाई पे 5, एक्स पे 0, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये हो जाएगा ए पॉइंट हो गया 0, 5 ए पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट एक्स तो कितना है 1 है, एक्स कितना है 1 और वाई कितना है 4, एक्स के लिए 1 है वाई कितना है 4, मतलब 1 पे कितना आएगा 4 आएगा, एक्स के लिए कितनी है 1 ये एक्स है और वाई की कितनी है 4, तो 1 पे कितना है 4 है, ये आ जाएगा 1 पे 4, 1 पे 4 ये हो गया बी पॉइंट हो गया 1 पे 4, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एक्स है 2, वाई कितना है 3, एक्स है 2, वाई कितना है 3, सी पॉइंट एक्स की 2, वाई कितना है 3, तो यहां पे आ जाएगा सी पॉइंट 2 पे 3, डी पॉइंट है 4 पे कितना आएगा 1, 4 पे कितना आएगा 1, x 4 y कितना है 1, यहां पे आ जाएगा पॉइंट डी पॉइंट 4 पे 1, ई पॉइंट लोगे तो x तो कितना आएगा 5, y 0 तो x एक्सिस पे आ जाएगा, 5, 0 वाला जो पॉइंट है कहां पे आएगा x एक्सिस पे, तो यहां पे y वाला कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो यहां पे जो e जो पॉइंट आएगा वो यहां पे आ जाएगा 5, 0। अब इसके बाद क्या करना है, जो भी पॉइंट्स है जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उनको ज्वाइन करना है, उनको क्या करना है ज्वाइन करना है,
तो ये सारे पॉइंट क्या करेंगे, आपस में मीट करेंगे। अभी तो क्या जो ग्राफ ना बना रहे क्योंकि इसमें थोड़ा पॉइंट मिसमैच हो रहे हैं, तो जब आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे इन पॉइंट्स को जब ज्वाइन करोगे तो बिल्कुल क्या आएगी, एग्जैक्ट क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। क्या मिलेगी आपको, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मिलेगी। यहाँ पे थ्री पॉइंट एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं, थ्री पॉइंट क्या हो रहे हैं, एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं, क्योंकि जब ये वाला जो पॉइंट आप लोगे तो ये वाला फोर पे वन, तो फोर पे वन यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, मतलब डी वाला पॉइंट फोर पे वन, और ये यहाँ पे मैच हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन जो लाइन जो आपके पास आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, जब ऑल पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, जो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, तो लीनियर इक्वेशन गिवन है उसको रिप्रेजेंट करेगी। तो ये आपके पास जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है एक्स प्लस वाई जो फाइव, उसको कहां पे रिप्रेजेंट कर दिया आपने, ग्राफ पे। तो ये आ जाएगा इसका ग्राफ। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। नो सर। तो ऐसे आपको ग्राफ बनाना है। ये तो आपके पास अभी तो क्या है, एक इक्वेशन ही है अभी तो, सिंपल आपके पास एक इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव। जब टेंथ क्लास में आप करोगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो वहां पे आपको एक साथ दो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो उसके लिए दो टेबल बनेंगे अलग अलग। भैया आपके पास एक लाइन है, ओनली एक इक्वेशन है एक्स प्लस वाई जो फाइव है, तो ओनली एक इक्वेशन है, तो अपने क्या फॉर्म किया है, ओनली एक टेबल बनाएंगे। मान लो एक इक्वेशन और होती है इसके अंदर, जैसे मान लो आपके पास ये इक्वेशन और होती है थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टेन, तो इसके लिए भी क्या फॉर्म करते हैं, टेबल फॉर्म करते हैं, और इसको क्या करते हैं, इस पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों का क्या मिलता, कोई ना कोई इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता, तो सॉल्यूशन मिलता है यहाँ पे। तो ये आप करोगे टेंथ क्लास में। अभी आपके पास ओनली एक इक्वेशन है और उसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ओनली एक इक्वेशन है और उसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना है। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। एक एग्जांपल देते हैं इसमें, 3x + 2y = 10, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है, इसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करने के लिए वही अपने को x और y की वैल्यू चाहिए, मतलब पॉइंट चाहिए, ऐसा पॉइंट चाहिए जो इस इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें, ऐसा पॉइंट चाहिए अपने को जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, जो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है इसको क्या करे, सेटिस्फाई करें। तो टेबल फॉर्म करेंगे अपने, x और y, किसी की आप वैल्यू पुट करो, y की पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी। तो यहां से मैं सोल्व करें इसको थोड़ा सा, इस 2y को अपने इस साइड ट्रांसफर करें तो नेगेटिव हो जाएगा 2y, तो यहां से 3x इज इक्वल टू क्या होगा, 3x इज इक्वल आ जाएगा 10, और इस 2y को उस साइड ट्रांसफर करें तो क्या होगा, नेगेटिव हो गया 2y, और यहां से x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 10 माइनस 2y डिवाइड 3, x is equal to 10 minus 2y is equal to, divide by 3। अब अपने क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू मिल जाएगी। अब अपने यहां पे x की जगह y में पुट करें, y इज टू लें, एट y इज इक्वल टू टू, y इज इक्वल टू क्या लें इसमें 2, y की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू कितना होगा, 10 माइनस 2y, y 2 पुट किया है डिवाइड में 3, तो x इज इक्वल टू कितना था, 10 माइनस का 4 बाई 3, 10 माइनस 4 कितना हो गया, 6 बाई 3 2, तो x y 2 लोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ जाएगी, ये y की वैल्यू 2 ली है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, एक तो पॉइंट ये वाला पॉइंट आ जाएगा, a पॉइंट जिसमें x कोऑर्डिनेट कितना था 2 आ जाएगा, और y भी क्या था 2 आ जाएगा। और क्या पूछ सकते हैं इसके अंदर? यस माइक बंद कर। और क्या पूछ सकते हैं? वन माइनस का वन पुट कर सकते हैं, माइनस का वन, जब वाई इज इक्वल टू माइनस वन पुट करोगे इसके अंदर, इट वाई इज इक्वल टू माइनस का वन, वाई इज इक्वल टू माइनस वन, जब y की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू क्या मिलेगी, x = क्या आएगा,
टेन माइनस टू इंटू में माइनस का वन डिवाइड थ्री कितना हो जाएगा, में प्लस हो जाएगा, तो टेन प्लस टू ट्वेल्व, टेन प्लस टू ट्वेल्व बाई थ्री, तो वैल्यू कितना आएगी फोर। यस माइक बंद कर। तो एक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी फोर हो जाएगी, आपने वाई की वैल्यू पुट किया माइनस वन, तो एक्स वैल्यू कितनी आ रही है फोर आ रही है, एक पॉइंट क्या मिल जाएगा ये माइनस वन और फोर। एक वैल्यू और फाइंड कर लो, एक वैल्यू और फाइंड कर सकते हैं, और क्या पुट कर सकते हैं इसमें, माइनस थ्री पुट कर सकते हैं, माइनस थ्री क्या माइनस का फोर, माइनस का फोर पुट करो कितना हो जाएगा एटीन बन जाएगा, टेन प्लस एट आएगा एटीन, एटीन बाई थ्री सिक्स हो जाएगा। तो एक पुट कर सकते हैं इसके अंदर एट वाई इज इक्वल टू माइनस फोर, एट वाई इज इक्वल टू माइनस फोर, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी टेन माइनस टू इंटू में माइनस का फोर डिवाइड में थ्री, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा टेन माइनस का टू इंटू माइनस का फोर प्लस का एट डिवाइड थ्री, तो एटीन बाई थ्री सिक्स। जब आपने वाई के लिए पुट किया माइनस का फोर, तो एक्स के लिए कितनी आ रही है सिक्स आ रही है, तो यहां से वाई की वैल्यू माइनस का फोर और एक्स की वैल्यू सिक्स, तो आपको थ्री पॉइंट्स आ गए, मिनिमम आपको थ्री पॉइंट्स तो रिक्वायर्ड होंगे ही होंगे, मिनिमम थ्री पॉइंट्स आपको फाइंड करने हैं, उसके बाद आप फोर फाइव कुछ भी फाइंड कर सकते हो, विद थ्री पॉइंट्स आपके पास एटलीस्ट होने चाहिए, उसे आप फोर पॉइंट फाइंड कर सकते हो, फाइव कर सकते हो, सिक्स कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो अब थ्री पॉइंट्स आ गए, इनको उस पे लोकेट करेंगे ग्राफ पे, ठीक है, तो आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, आप वन भी पुट कर सकते हो, जब आप वन पुट करो तब आपके पास जो वैल्यू आएगी वो पॉइंट के अंदर आएगी, तो पॉइंट में जो वैल्यू है उसको अवॉइड करने के लिए ये वाली वैल्यू पुट की है, भी आप वन भी पुट कर सकते हो, तो आप वन पुट करो कितनी आएगी वैल्यू सर, पॉइंट में लिख सकते हैं, पॉइंट में लोगे तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, जो आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पे अपने पास एग्जैक्ट वैल्यू है, तो पॉइंट में जो वैल्यू आएगी उसको अवॉइड करने के लिए, जो फ्रैक्शन में जो वैल्यू आएगी उसको अवॉइड करने के लिए आपने ये वाली वैल्यू पुट की है, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पेपर पे, ये होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन ओ। अब देखो अपने पास टेबल जो फॉर्म हुई है उसमें वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू देखो माइनस फोर तक है और पॉजिटिव में टू है और एक्स की वैल्यू है सिक्स तक, तो अपने टू के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो, स्केल टू भी ले सकते हो, वन भी ले सकते हैं। तो यहां से देखो इधर वैल्यू लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये नेगेटिव में माइनस का वन माइनस का टू माइनस का थ्री माइनस का फोर माइनस का फाइव माइनस का सिक्स, एक्स में कोई नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं, टू फोर सिक्स और टू माइनस वन माइनस फोर वन और टू थ्री फोर फाइव, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, एक्स डैश ये नेगेटिव एक्स एक्सिस बोल सकते हो, और इधर वाई डैश। अब जो भी पॉइंट्स है उनको लोकेट करना है, एक्स की वैल्यू टू तो वाई की वैल्यू कितनी है टू, एक्स की वैल्यू जब टू है तो वाई की वैल्यू कितनी होगी टू, तो टू पे टू, ये वाला पॉइंट आ गया ये पॉइंट, एक्स के लिए टू तो वाई के लिए भी टू। सेकेंड पॉइंट एक्स की वैल्यू फोर और वाई की वैल्यू माइनस का वन, एक्स की वैल्यू फोर वाई की वैल्यू माइनस वन, एक्स की वैल्यू फोर और वाई की वैल्यू माइनस का वन, ये आ गया बी पॉइंट फोर और माइनस का वन, एक वैल्यू और जो है पॉइंट उसको लोकेट करना है सिक्स पे, एक्स की वैल्यू कितनी है सिक्स है और वाई की वैल्यू माइनस का फोर,
सिक्स पे माइनस का फोर, एक्स के लिए सिक्स, वाई के लिए माइनस का फोर, तो सिक्स पे माइनस का फोर यहां पे आ जाएगी वैल्यू, ये होगा सी पॉइंट सिक्स पे माइनस का फोर, ये पॉइंट बी पॉइंट और सी पॉइंट। अब इसको क्या करना है, ज्वाइन करना है, क्या करना है, ज्वाइन करना है, तीनों पॉइंट्स इस लाइन पे लाई करेंगे, तो तीनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन करोगे तो क्या आएगी आपके पास, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, जो इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये जो इक्वेशन है वो किसकी इक्वेशन हो जाएगी, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये जो ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन है ये आ जाएगी इस पे ग्राफ पेपर पे, समझ में आया? यस सर। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। नो सर। तो ऐसे आपको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना है स्ट्रेट लाइन को, इसमें आप स्केलिंग भी लिखनी है, बी एक्स एक्सिस पे आप स्केल क्या ले रहे हो और वाई एक्सिस पे स्केल क्या ले रहे हो, भाई आप टू के अकॉर्डिंग ले सकते हो, जरूरी नहीं है वन वन नहीं लेके चलो, भाई टू फोर सिक्स एट भी ले सकते हो, आपको उसमें देखना है कि आपको जो वैल्यू आ रही है किसके अकॉर्डिंग आ रही है, ज्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है तो आप स्केलिंग अकॉर्डिंग छोटे भी कर सकते हो, जैसे टू टू का गेम ले सकते हो, मतलब फाइव के मल्टीपल में वैल्यू आ रही है, 25 आ रहा है, 15 आ रहा है, 20 है, तो 5 भी ले सकते हो, 5 10 15 20 25 ऐसे ले सकते हो, वो डिपेंड करेगा वैल्यू पे, वैल्यू से अकॉर्डिंग आप स्केलिंग कर सकते हो, ठीक है? ओके सर। पूछना हो तो पूछ लो, इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लो। नो सर। तो इसमें जो एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 है उसकी कर लेना प्रैक्टिस, जो भी डाउट्स है वो कल की क्लास में डाउट्स ले लेंगे 4.3 और 4.4 में, क्योंकि जो ग्राफ से रिलेटेड है 4.3 और 4.4 जो एक्सरसाइज है वो ग्राफ से रिलेटेड है, तो प्रैक्टिस कर लेना 4.3 और 4.4, और जो भी डाउट्स होंगे वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके ओके सर। वी विल डू कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।